ओके 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 फॉर आर रिगार्ड। चले जी, ज्वाइन हो गए सब, स्टार्ट करें। यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो चैट में टाइप कर दें, मैं उनका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आफ्टर मैथ से जो नुकसान हुए हमें वॉर ऑन टेरर के, उसमें हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, दुनिया में हमें शदीद शर्मिंदगी हुई, 33 बिलियन डॉलर्स हमें एड तो मिली, लेकिन हमने लॉस्ट कितने किए? 125 बिलियन डॉलर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस था, इकोनॉमिक का लॉस था, पाकिस्तान के बिल्डिंग्स, रोड्स और उसमें गैस पाइपलाइंस, कुछ भी रिजर्व थे, एग्रीकल्चर लैंड्स थी, ये सारा उनमें अकाउंटिंग था। और 75,000 कैजुअलिटीज हुई हमें। ओके, एंड यूएस ने क्या किया? उसने हमें अगेन अकेला छोड़ दिया, जैसा उसने कोल्ड वॉर के बाद किया था। सो एक और चीज, उसने ओपनली वार्न करके पाक चाइना रिलेशंस को अपोज किया। तो ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ कि हम किसी भी रियासत की मर्जी से हम रिलेशंस बनाएं, तो ऐसा नहीं होता। ये दिस वाज अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं है। ऑलराइट, एंड एट द एंड जो हमें सबसे बड़ा लॉस हुआ, FATF, जिसको लीड करता है, हेड करता है यूएस, यूएस का इदारा है, उसने हमें ग्रे लिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएस कहता है पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है एंड पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी इकोनॉमी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की सॉवरेनिटी के लिए, कि अगर वो ब्लैक लिस्ट कर देता, जो कि उसके बाद का स्टेप था, तो पाकिस्तान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। अदर स्टेट्स लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, उन जैसे कोई इकोनॉमिकली हाल हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए डॉलर अगर 222 रुपये का है, तो ईरान में अगर देखें तो वहाँ 12,000 समथिंग का है। तो उन की रीजन क्या है? उन पर जो माशी पाबंदियां लगाई गई हैं आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसकी ट्रेड, ओपनली ट्रेड किसी भी मुल्क से नहीं हो रही, ना वो कर सकता है। वो किसी भी मुल्क को ऑयल नहीं दे सकता, गैस नहीं दे सकता, वो किसी भी मुल्क से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकता। रादर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान किसी ना किसी हद तक उसको अंडरग्राउंड इकोनॉमिकली सपोर्ट भी कर रहे हैं, लिमिटेड लेवल तक ऑयल उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इलाका है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहां पर 70% ईरानी ऑयल है और वो पाकिस्तान को सस्ता भी पड़ता है। अगर ओपनली हम उससे ऑयल लें, इंपोर्ट करें, तो हमें इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस ऑयल से जो हम ले रहे हैं सऊदी या यूएई का ऑयल, उससे हमें वो ऑयल बहुत सस्ता पड़ता है। ऑलराइट, तो फिर ये चीज जो 75,000 कैजुअलिटीज एंड 125 बिलियन डॉलर का हमें लॉस हुआ था, इसका हम रेफरेंस क्या देंगे?
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया था। और उसमें उसने जिक्र किया था कि पाकिस्तान को स्केप गोट बनाया गया है और हमारा लॉस्ट 125 बिलियन डॉलर्स का है और 20 बिलियन डॉलर जो कि यूएस की एड है वो मिनिस्क्यूल है हमारे लिए। 125 बिलियन डॉलर्स एंड 20 बिलियन डॉलर्स मिनिस्क्यूल नॉट एन एड। जब आप किसी को कोट कर रहे होते हो किसी की कही हुई बात को उसकी स्टेटमेंट को तो आप सेम वैसे ही लिखते हैं। ये आप इमरान खान का ट्वीट देख सकते हैं तो ये उसकी समरी समझ में एक रेफरेंस दिया है आपको। ऑलराइट, तो उसने इसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहा था कि आप हमें किसी अपने ऐसे एलआई का बताएं इवन आपका वो नेटो एलआई हो नॉन नेटो एलआई हो जिसने इतनी कुर्बानी आपको दी हो। इसके बाद क्या होता है पाकिस्तान पॉलिसी नो मोर डू मोर करते करते अब हम पहली दफा आ गए नो मोर पे एंड हमारे रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गए चाइना के साथ रशिया के साथ और आजाद फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं इस तरफ हमने जाना स्टार्ट कर दिया। एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग होती है एक यूनाइटेड स्टेट्स का इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP उसको स्टेट करते हैं। यहाँ पर पीस के हवाले से नेगोशिएशंस होती हैं टॉक्स होती हैं प्रेजेंटेशंस देते हैं तो वहां पर मीटिंग होती है इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव कमेंट देते हैं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा था कि इमरान खान इज माय फ्रेंड एंड वी वांट टू बिल्ड बेटर रिलेशंस एंड पॉजिटिव रिलेशंस ऑफ कॉपरेशन विद पाकिस्तान। इस चीज को इंडिया ने काफी हाईलाइट किया था एंड जब इंडिया का विजिट हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में ठहर कर वहां पर भी सेम यही स्टेटमेंट दी थी। इट मीन्स रिलेशंस जो थे हमारे वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। रीजन क्या थे डोनाल्ड ट्रंप भी पीस चाहता था अफगानिस्तान में यही रीजन थी। जब उसके आखिरी दिन चल रहे थे उसको काफी ही अग्रेसिवली ऑफिस छोड़ना पड़ा इवन के बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा उसका इशू यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ था और उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी चलता रहा और अनपॉपुलर सा उसको दिखाया गया जबकि उसकी पॉपुलैरिटी जो बाइडन से ज्यादा ही हो रही थी या थी। तो यहाँ पर अगेन कॉमन इंटरेस्ट थे हमारे पीस इन अफगानिस्तान
और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी एंड जो बाइडन इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि है वो अग्रेसिव अप्रोच रखती है टुवर्ड्स द पाकिस्तान और साउथ एशियन रीजन, एंड रिपब्लिकन पार्टी जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहती है, उसकी पॉलिसीज कुछ हद तक नॉर्मल रहती हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन इस चीज़ को उन्होंने इम्प्रूव किया है रीजन में, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वो इस चीज को लेकर चलते हैं, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ टू कंटेन टेररिस्ट या चाइना या रशिया इस तरह से। सो डोनाल्ड ट्रंप वाज फ्रॉम रिपब्लिकन, दैट्स वाज द रीजन। एंड अगेन पीस इन अफगानिस्तान, ओके, जो पीस इन अफगानिस्तान या जो डील थी ये साइन हुई थी अर्ली 2020 में, एग्जैक्ट डेट इसकी आप अगर याद रख सकें तो एग्जैक्ट डेट्स देख सकते हैं, अगर याद ना रहे तो इतना ही काफी है। अर्ली 2020s, ओके, 2021 में क्या होता है, टाइम फ्रेम करीब आ गया है। यूएस क्या करता है, विदाउट एनी पीस डील, विदाउट एनी एग्रीमेंट, बगैर पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचे वो अफगानिस्तान से निकल जाता है, पीछे क्या रह जाती है, इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी मेडिटेरियन क्राइसिस, गवर्नेंस क्राइसिस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए कॉमन थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था वो 45 ईयर्स से ही चैलेंजेस का सामना कर रहा था, हमारा वो पूरा का पूरा बॉर्डर एक सिक्योरिटी जोन बना हुआ है, वहां से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, जबकि वहां पर काफी पोटेंशियल है, हम मिडिल ईस्ट से, रशिया से, ईरान से, वहां से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली लिंक करते हैं हमारे उस टेरिटरी को, विदाउट पीस प्रोसेस, इस चीज को मेंशन कर देते ताकि आपको रिवीजन करते हुए आसानी रहे। सो अब 2022 में क्या हुआ है, यूएस एम्बेसी में पाकिस्तान और यूएस के जो 75 ईयर्स ऑफ टाइज हैं, एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट किया गया है, और यूएस उसमें अगेन ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को नॉर्मल होना चाहिए, हमारे रिलेशंस कॉमन इंटरेस्ट पर हैं, राहिल का क्वेश्चन है कि कैसे नॉर्मल रिलेशनशिप हुई, कभी भी नॉर्मल नहीं हुए ना, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं रहे, इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, इट मींस के अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटीज, हमारे 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में यही कुछ चलता रहा, उसमें नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम कभी जाने लगते तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाता, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट न्यू आ जाता, उसकी पॉलिसी और चेंज हो जाती, रीजन में उसका कोई इंटरेस्ट आ जाता, टेररिस्ट
हो जाता, कोई भी इवेंट हो जाता, 9/11 या चाइना या पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है। अब राइज ऑफ चाइना जो है, अब उसका मेजर जो फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है टू कंटेन दी चाइना इन साउथ एशिया, उसका इन्फ्लुएंस को उसने कंटेन करना ताकि यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस बना रहे, उसकी हेजेमनी बरकरार रहे। तो ये सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं रहे। और एक और वर्ड मैंने यूज किया है, दैट्स व्हाई पाकिस्तान वाज एक्टिंग एज अ स्केपगोट फॉर यूएस, कुर्बानी का बकरा। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त साथ दिया है जब हमने अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखना हो, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो उस ग्राउंड पे, या फिर ट्रेड के इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेड भी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। हमारी 40% ट्रेड है इंपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट की। ओके, यहाँ अब हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। अब हम आ रहे हैं वे फॉरवर्ड पर, के सॉल्यूशन क्या है, आखिर हम इन रिलेशंस को किस तरह से एक फ्रेंडली या बायलेटरल कोऑपरेटिव रिलेशंस में चेंज कर सकते हैं, कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान यूएस टाइज क्या हो सकते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स यूएस क्या हो सकती है। रिसेंट अभी जो हमारी गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो उसमें बार बार ये इशू हाईलाइट किया गया था कि बाइडन ने इमरान खान को फोन तक नहीं किया। इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि उसके कोई इंटरेस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही, और इंडिया एक फैक्टर है, इंडिया के साथ ग्रोइंग रिलेशंस है, उसके साथ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तिजारत का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो उसको मिलिट्री में, इकोनॉमिक में, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको स्ट्रांग बना रहा है। एंड यस, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं किया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हम देखें वो दोनों सेम ही है। चाइना एंड रशिया के साथ हमारे रिलेशंस, वो हमारे लिए चैलेंजेस भी बन सकते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सी पैक इज अ काउंटर पार्ट, सी पैक हमारे लिए चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी भी है। सी पैक को हम अगर प्रमोट करें, उस पर काम करें, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो ये यूएस से हमें दूर लेकर जाता है। यूएस ने एक नैरेटिव पेश किया है कि ये एक श्रीलंकन बंदरगाह की तरह है जिसका नाम हम्बनटोटा है, तो उसको फिर श्रीलंका जब फुलफिल नहीं कर पाया कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, तो चाइना ने श्रीलंका की ही बंदरगाह लीज पर ले ली 100 साल के लिए, कि वो अब उसमें टैक्स ले रहा है श्रीलंका से। तो वो इस मॉडल के साथ इसको रिलेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, कि आप इसको नहीं बना पाएंगे, पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी नहीं है, तो पाकिस्तान अगर इसको नहीं बना पाता तो वो अपनी बंदरगाह जो के सी पैक के साथ कनेक्ट करती है गवादर, वो खो बैठेगा, वो चाइना को दे देगा, उसको नहीं देता था। ये एक हमारा नैरेटिव उनका यूएस का बना हुआ है, और काफी सारे लोग इस चीज से एग्री भी करते हैं। एंड अनदर फैक्टर, यूनाइटेड स्टेट्स जब हमें लोन देता है, एड देता है आईएमएफ, तो वो ये शर्त रखता है, उसमें कंडीशन रखता है कि आप इस एड के पैसे सी पैक पर नहीं लगाएंगे, इसको आप उस चीज पर नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी एक उसकी कंडीशन है। एंड थर्ड वन इज के आपने अपने रिलेशंस चाइना के साथ बिल्डअप नहीं करने, तो एक दफा उन्होंने हमें ओपनली वार्न किया कि आपका इन्फ्लुएंस, चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी सरजमीन पर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम करें। तो ये अगेन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ के हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के भी खिलाफ है, कोई भी इस तरह हमें वार्न नहीं कर सकता। एंड रशिया इज अ फैक्टर, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम यूएस के साथ 75 ईयर्स के रिलेशन में ये रहकर देख चुके हैं कि हमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिया गया, इवन हमें डिग्रेड किया गया, कहीं भी उन्होंने हमें अप्रिशिएट नहीं किया। तो
तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चाइना एंड रशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, काफी हो भी गई है। कुछ एग्रीमेंट्स भी बायलेटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान रशिया चाइना में, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑयल एग्रीमेंट है, एनर्जी है, बिजनेस है, एजुकेशन है, और रशिया की इन्वेस्टमेंट है, रशिया के इंटरेस्ट हैं, अगेन सी पैक में गवाधन है। तो ये थे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इस चीज को आप अपोजिट लिखें तो ये अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, सेम लिख दें तो ये चैलेंजेस बन जाएगा। तो इसको डील कैसे करना है? डील इस तरह से करना है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि पाकिस्तान की है यूएस के लिए, कि आप जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को डील ना करें। ऑपरेशन पे होनी चाहिए कि अमेरिका को भी चाहिए, उसको हम वेलकम करते हैं कि वो भी इन्वेस्ट करे, सीपैक पे इन्वेस्ट करे, गवादर में इन्वेस्ट करे। एक ट्राइलेटरल हम इसको बना देते हैं, रिलेशन बना देते हैं, इससे पूरे रीजन की भलाई होगी, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी, इससे एजुकेशन इंप्रूव होगी, इससे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगी। जब तीन बड़ी स्टेट्स इन्वेस्ट करेंगी तो उसमें इस तरह का कोई लड़ाई वाला झंझट भी नहीं होगा, तो अपॉर्चुनिटीज है, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, बट उसका ये मकसद नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन को प्रमोट करना, बिजनेस को प्रमोट करना, ये चीज़ उसके इंटरेस्ट में नहीं है। उसका इंटरेस्ट है ओनली टू कंटेन रशिया एंड चाइना। ऑलराइट, सो इन सब चीज़ों के साथ ही 75th एनिवर्सरी में बाइडन साहब अप्रूव कर देते हैं 450 मिलियन डॉलर्स फॉर पाकिस्तान F-16 मेन टेनेंस के नाम पे, क्योंकि F-16 बेसिकली अमेरिका का है और हम उसी से ही बाय करते हैं। 450 मिलियन डॉलर्स एक एड देता है नॉर्मलाइजेशन होने पर, कि हमारे रिलेशन कुछ नॉर्मल हो गए हैं। इस चीज पर इंडिया को गुस्सा आता है, सो इंडिया अगेन इस चीज को हाईलाइट कर देता है, लेकिन उसने कहाँ परवाह करनी है इंडिया की। क्वेश्चन है राहिल का, IMF ये शेयर्स क्यों रखते हैं? बेटा, IMF ये शेयर इसलिए रखते हैं ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बना रहे रीजन में, ताकि कोई भी रियासत राइज ना करे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो, वो उसको टक्कर ना दे सके, जैसे चाइना है, रशिया है, वो उसको टक्कर ना दे सके। वो अकेला ही सुपर पावर है दुनिया पर, वो वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है, वन गवर्नमेंट, जैसे एक वन वर्ल्ड करेंसी है US डॉलर्स। दुनिया में सारी ट्रेड US डॉलर्स में होती है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड ऑर्डर, दैट्स वाई। ओके, सो एरियाज ऑफ बायलेटरल कॉपरेशन अगर हम देखें, हम कहां पर कॉपरेट कर सकते हैं? कॉमन चीजें हैं, इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, पूरी दुनिया के सेम हैं, इनको अचीव करना है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये पूरी दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का इशू नहीं है। 2010 का फ्लड था, उसमें पाकिस्तान का $2 बिलियन का लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरली ह्यूमैनिटेरियन लॉस था, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, सिक्योरिटी इंपैक्ट भी बना। 2010 और 2020 का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट है फ्लड्स की सूरत में, इसमें $20 बिलियन का लॉस हुआ अकॉर्डिंग टू दी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट। $20 बिलियन कह रहे हैं, इनको हमने अचीव करना है। ये इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क इससे हिट होती है, और यूरोप में एक हीट वेव
और शदीद सर्दी की लहर होती रहती है। सो ये हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, ये हर पूरी नेशन का, पूरी दुनिया में कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान हो, उन सबका ये राइट है। इकोनॉमिकली सारे इजी रहें, बेनिफिट उठाएं अपनी रियासत से, अपने ह्यूमन राइट्स को यूटिलाइज करें, एंजॉय करें, बेसिक नीड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ उनको एंजॉय करें, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, और मजीद जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं डॉन न्यूज़पेपर में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, या सर्च करके यूट्यूब पर, या अगर हमारे साथ आप चले रहेंगे साथ ही साथ हम इनको अपडेट करते रहेंगे। ये 2022 तक की डेवलपमेंट है, इसका फाइनल एनालिसिस कंक्लूजन यही है कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ। दो तीन पॉइंट्स पर हम इसको कवर करते हैं। रिलेशनशिप, लेकिन वाइटल भी रहे हैं, हमें उनसे फायदा भी बहुत ज्यादा मिला है। हमारे काफी सारे लोगों को स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन, बिजनेस, और उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी है, उसकी इन्वेस्टमेंट, उससे हमें फायदा भी मिला है। लेकिन ये बहुत छोटा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर वो पूरे पोटेंशियल और सिंसियरिटी के साथ कॉपरेशन करे तो बहुत ज्यादा इस रीजन में तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। इस चीज में हमने जो हिस्ट्री में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं उन चीज को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, वो भी उसका भी कंक्लूजन बन सकता है। जिस तरह से हमने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वॉर ऑन टेरर, सिक्योरिटी कॉपरेशन हमारा बहुत अच्छा रहा है, उसने हमें F-16 जो दिया है, F-16 की वजह से हमारी एयर सुपीरियरिटी रही है, हमारे एयरफोर्स स्ट्रांग रही है, और GF Thunder 17 हमने उस वक्त चाइना से लिया है जब उसने F-16 हमें देना बंद कर दिया था, एंड हमने उस सुपीरियरिटी को यूज करते हुए, GF Thunder 17 को यूज करते हुए, 26 फरवरी 2019 में हमने इंडिया के दो एयरक्राफ्ट गिराए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में देखा था। ओके, तो लेक्चर एंड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर राहिल, हम लोन लेते हैं हमारी मर्जी, हम कहीं भी इन्वेस्ट करें, वो फिर लोन तो ना हो ना, वो इसी कंडीशन पर लोन देते हैं कि ये आप हमारी मर्जी से ही इन्वेस्ट करें। जब आप सीनियर हो जाएंगे ना, CSS PMS में सीनियर हो जाएंगे 3-4 महीने के बाद, एक बुक रिकमेंड करता हूँ आपको, द न्यू कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन परकिंस, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर है। उसमें ये सारा कुछ बताया गया है कि आम स्टेट्स को, छोटी अंडर डेवलप डेवलपिंग स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके रिसोर्सेज हड़पने के लिए, उनके रिसोर्सेज पर टेक ओवर करने के लिए हम किन कंडीशंस पर उनको लोन देते हैं। आइदर द लोन्स आर कोऑपरेटिव और कंप्रोमाइजिंग। मैं बुक आपको लिख देता हूँ, द न्यू कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन परकिंस। ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के मैं एंड में लिख देता हूँ, इसकी समरी आपको मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा 10-15 मिनट में ही। द न्यू कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन
ये ऑथर है बाई जॉन परकिंस, ये ऑथर भी है इस बुक का, और उनका कोई फॉर्मर किसी न्यूज चैनल का एंकर पर्सन भी है। ये एज अ एजेंट इन सब मिशंस में था, और इसने अपनी पूरी जिंदगी का ओल्ड सा बंदा है, बुजुर्ग सा बंदा है जॉन परकिंस, पूरी जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस इस बुक में लिख दिया है। मजे की बात है, ये बैन नहीं हुआ वहां पर। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी रही लगेन, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। आई थिंक आई मेड द क्लियर योर क्वेश्चंस। डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहे हैं। IMF से अमाउंट लेने के बाद कुछ वक्त के लिए हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है, पर वो टेम्परेरी होती है, लेकिन उसके बाद जब वो सपोर्ट खत्म हो जाती है तो पहले से ज्यादा नुकसान होता है। ओके? क्योंकि हमने उससे ज्यादा अमाउंट देनी होती है। कहाँ से देंगे जब हमने उससे कम अमाउंट हमारे पास नहीं थी, तो हम उसकी डबल अमाउंट कैसे देंगे? लेकिन इसके अलावा फिलहाल हमारे लिए कोई वो नहीं है, बस दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस करेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसमें करंट स्टेटस, हमारी हिस्ट्री, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस, हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव, हमारे फ्यूचर इंटरेस्ट, सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इनको कैसे मिटिगेट करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके? सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्लास का आपको ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देंगे।